नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। 7 का समीकरण आप देख रहे हैं। केवल 4 महीने का वक्त अब बचा है और यह तय हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। देश के सबसे बड़े सूबे में सबसे बड़े चुनावी संग्राम का शंखनाद हो चुका है और तेजी से गर्माते सियासी माहौल के बीच एबीपी गंगा नए तेवर और कलेवर में चुनावी खबरों का पूरा लेखा जोखा आपको दिखाने जा रहा है। खबरों की वही धार है, वही रफ्तार है, बस अलग होगा हर खबर का अंदाज। कौन किस पर गरजा, कौन सियासी बारिश कर बैठा, आपको बताएंगे। किसकी कैसी तैयारी है, कौन किस पर भारी है, ये भी आपको समझाएंगे। कौन किस से मिला, किसका कौन सा फॉर्मूला, ये भी आपको बताएंगे। और चुनाव से जुड़ी कोई खबर छूटेगी नहीं, सियासी हलचल पर हमारी कवरेज रुकेगी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी का चुनावी रण, 7 का समीकरण। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भाजपा को 2022 में फिर से उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापस लाने के लिए आज से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मैदान में उतर गए। लखनऊ में आज अमित शाह ने कार्यकर्ताओं का जोरशाही करते हुए पूरी ताकत से चुनाव की तैयारियों में जुड़ जाने का आह्वान किया। इसके बाद 31 दिसंबर तक भाजपा के कार्यकर्ता हर शहर हर गाँव में जनता के बीच नजर आएंगे। भाजपा को एक बार फिर यूपी की सत्ता में वापसी करवाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज लखनऊ से 2022 का चुनावी बिगुल फूंक दिया। लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में भाजपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत करने के साथ अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से 2022 विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतर जाने का आह्वान किया। 2022 के चुनाव का श्री गणेश आज की सदस्यता अभियान से हम 2022 चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को घर घर जाने को कहा है, जिसे मेरा परिवार भाजपा परिवार का नाम दिया गया है। 29 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक चलने वाले सदस्यता अभियान में भाजपा कार्यकर्ता गरीबों, युवाओं, महिलाओं, दलितों, पिछड़ों समेत समाज के हर वर्ग के बीच जाएंगे और घर घर जाकर भाजपा सरकार की कामयाबियां बताने के साथ लोगों की समस्याओं को भी सुनेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ ने जो सरकार चलाई, वो सरकार यूपी के हर गरीब गुरबे के लिए चली है, यूपी के युवा के लिए चली है, यूपी के महिला, दलित, पिछड़े और आदिवासियों के। भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह चुनाव प्रचार और नेताओं की रैलियों के साथ साथ कार्यकर्ताओं से डोर टू डोर कैंपेन करने पर जोर देते रहे हैं, क्योंकि इसी की बदौलत भाजपा ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के अलावा 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को यूपी के गांव-गांव तक पहुंचाया था। और अब एक बार फिर भाजपा इसी कारगर रणनीति पर आगे बढ़ते हुए 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। 2022 विधानसभा चुनाव में माना जा रहा है कि भाजपा को सबसे बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी से ही मिलने वाली, इसीलिए दोनों दलों के बीच हर दिन के साथ तीखी बयानबाजी और वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। लखनऊ में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वैसे तो पूरे विपक्ष पर तीखे हमले किए, लेकिन उनके निशाने पर सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव रहे। अमित शाह ने राम मंदिर के मुद्दे पर अखिलेश समेत तमाम दलों को घेरते हुए कहा कि जो दल पूछते थे कि मंदिर की तारीख नहीं बताएंगे, उन्हें भाजपा ने जवाब दे दिया है। इसके बाद अखिलेश यादव भी कहां चुप रहने वाले थे, देखिए अमित शाह और अखिलेश यादव के बीच राम मंदिर के मुद्दे पर वार पलटवार। अखिलेश एंड कंपनी 2014, 17 और 19 में हमें ताने लगाती थी, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि कभी नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू, तिथि बताना नहीं, मंदिर की नींव भी डाल दी है, आप तो 5,000 रुपया देने से भी चूक गए। उनसे अच्छा मंदिर मैं बनाऊंगा। वो हमारी मर्जी है ना, कहाँ बनाएंगे, हमारे भगवान, हम जहाँ चाहें वहाँ बनाएंगे, ये कौन सी बात है।
तुम हमारा थोड़ी बताओगे हमारे कौन से भगवान भाई, सर क्या करेंगे उसमें, भगवान हमारे, हम जहाँ चाहेंगे वहाँ बनाएंगे। यहाँ जितने समाजवादी लोग बैठे सबके घर में मंदिर है। और सोचिए आप मुख्यमंत्री आवास नहीं गए होगे, कभी घुस भी नहीं पाओगे। पर यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी समीकरण बदलते जा रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव सत्ता में वापसी के लिए लगातार कुनबा बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं और मिशन 2022 की रणनीति के तहत अलग अंदाज में विरोधी दलों को लगातार सियासी झटका दे रहे हैं। इसी कड़ी में कल बसपा के कई बागी विधायक समाजवादी पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव मिशन 2022 की तैयारी में जुटे हैं और इसके लिए अखिलेश का सबसे ज्यादा जोर कुनबा बढ़ाने पर है। इसी रणनीति के तहत अखिलेश ने चुनाव से पहले प्रियंका को बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सदस्य और प्रियंका के सलाहकार हरेंद्र मलिक ने अपने बेटे पंकज मलिक के साथ सपा ज्वाइन की, तो इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हैदर और श्रावस्ती से बसपा के विधायक रहे राम सागर के अलावा एनएसयूआई के कई कार्यकर्ताओं ने सपा का दामन थामा है। हमारे साथ पूर्व सांसद आदरणीय हरेंद्र मलिक जी, पूर्व विधायक पंकज मलिक जी, बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। जहां पर राजनीतिक स्ट्रेटजी बन रही है, ये उत्तर प्रदेश वो है जो राजनीति को दिशा दे, और इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेगी। सपा की साइकिल पर सवार हुए हरेंद्र मलिक की गिनती कद्दावर नेताओं में होती है। मुजफ्फरनगर में कद्दावर नेताओं में शुमार, 4 बार विधायक और 1 बार राज्यसभा सदस्य रहे। 1989 में पहली बार खतौली से विधायक बने, बाद में लोकदल के टिकट पर बगरा सीट से विधायक बने। इसके बाद हरेंद्र मलिक ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। 2005 में इंडियन नेशनल लोकदल ने हरियाणा से राज्यसभा भेजा था, बाद में कांग्रेस में शामिल हुए, AICC सदस्य रहे। 2019 में कैराना से लोकसभा चुनाव लड़ा, हार मिली, प्रियंका गांधी की सलाहकार समिति के सदस्य रहे। बात करें उनके बेटे पंकज मलिक की तो कांग्रेस के टिकट पर 2007 में बगरा सीट से विधायक बने, 2012 में शामली सीट से विधायक चुने गए, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और पश्चिमी यूपी के इंचार्ज थे, हाल ही में कांग्रेस की इलेक्शन स्ट्रेटजी कमेटी के सदस्य बने थे। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, अब अखिलेश जल्द ही बहुजन समाज पार्टी को सियासी झटका देने की तैयारी में है। आपको बता दें बसपा के 6 वही बागी विधायक हैं जिन्होंने राज्यसभा चुनाव के वक्त सपा का साथ दिया था और जिसके बाद मायावती ने बड़ी कार्रवाई भी की थी। श्रावस्ती के भिनगा सीट से बसपा विधायक असलम रायनी, प्रयागराज की प्रतापपुर सीट से बसपा विधायक हाजी मुस्तफा सिद्दीकी, प्रयागराज की हंडिया सीट से बसपा विधायक हाकिम लाल बिंद, हापुड़ की धौलाना सीट से बसपा विधायक असलम चौधरी, सीतापुर की सिधौली सीट से बसपा विधायक हर गोविंद भार्गव और जौनपुर की मुंगरा बादशाहपुर सीट से बसपा विधायक सुषमा पटेल। बसपा के ये बागी सिर्फ सपा ज्वाइन ही नहीं करेंगे बल्कि ये भी साफ हो चुका है कि सपा में आने वाले इन 7 विधायकों को पार्टी चुनाव में टिकट भी देगी। लेकिन कुनबा बढ़ने से अखिलेश का यूपी में सत्ता वापसी का सपना पूरा होगा या नहीं, इस पर फाइनल मोहर जनता ही लगाएगी। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। जाटलैंड की ताकत माने जाने वाले राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के बीच 2022 के लिए गठबंधन होगा या नहीं, आज खुद सस्पेंस से पर्दा उठ गया है। दो हजार बाईस का यूपी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए हर पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। आज गौतम बुद्ध नगर के जेवर में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत सिंह चौधरी ने एक रैली की। इस दौरान जयंत चौधरी भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। एबीपी गंगा से खास बातचीत में जयंत चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन 2019 में भी था और आगे भी रहेगा। उनकी गठबंधन के लिए बातचीत चल रही है। 31 अक्टूबर को अपनी पार्टी का घोषणा पत्र वो जारी करेंगे। समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर के क्या कहेंगे? बात चल रही है, अच्छी चल रही है। पिछला चुनाव भी उनके साथ ही मिलकर लड़े थे, इसमें कोई संशय नहीं।
मैंने अपने मुद्दे आगे रखे हैं जनता के आगे। बस अभी तक हम मुद्दों पे बात कर रहे हैं, हमारे रिश्ते दोनों नेताओं के बीच में और पार्टियों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में बहुत अच्छे हैं। 31 अक्टूबर को आप अपना जो घोषणा पत्र है वो जारी करेंगे, क्या कुछ खास होगा इस घोषणा पत्र में और किसान और मजदूरों के लिए क्या कुछ खास है इसमें? देखिए, वो पहले तो वो दिन ही खास है क्योंकि सरदार पटेल जी की जयंती है, तो उस दिन कुछ खास ही बात होंगी किसान के लिए। जिस वर्ग के लिए सरदार पटेल जी लड़ते रहे, उस वर्ग के लिए हम न्याय देंगे उनको। बड़ी बड़ी बातें हैं, एक तो उनकी लागत पर कैसे नियंत्रण किया जाए, चौधरी चरण सिंह जी के नाम से एक सम्मान योजना जिसमें हम उनको आज 6,000 मिलता है, 12,000 देने का हमने संकल्प लिया है, बिजली का बिल कैसे कम होगा, गन्ने के किसान को हम क्या दे सकते हैं, यहाँ तक कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आलू को हम जोड़ेंगे ताकि जो अंत्योदय कार्ड योजना के अंतर्गत जिनको राशन मिलता है उनको दाल चावल, उसके चावल और गेहूं के साथ हम आलू देंगे। इस तरह के कई नए नए चीज़ों को लेकर हम आ रहे हैं। और विधानसभा चुनाव की बढ़ती सरगर्मियों के बीच अपना दल कृष्णा पटेल गुट की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने अपना दल एसके विधान परिषद सदस्य और अपने दामाद आशीष पटेल से अपनी जान को खतरा बताया है। वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कृष्णा पटेल ने कहा कि आशीष पटेल उनकी प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए उन पर दबाव बना रहे हैं, ऐसे में वो और उनकी पार्टी आशीष पटेल से खतरा महसूस कर रही है। आपको बता दें कि आशीष पटेल अपना दल एसके अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति हैं और अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल के निधन के बाद पार्टी पर वर्चस्व को लेकर आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल और कृष्णा पटेल के बीच हुए विवाद के बाद अपना दल के दो हिस्से हो गए, जिसके बाद अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस के नाम से और उनकी मां कृष्णा पटेल की पार्टी अपना दल कृष्णा पटेल गुट के नाम से जानी पहचानी जाती है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर पटेल परिवार की कलह सामने आ गई। मैं अपनी बात को यहाँ आपसे कहना आई हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों से एक लंबे समय से सुरक्षा मांग रही हूँ, मुझे सुरक्षा नहीं दी जा रही, कहीं ना कहीं मैं भी असुरक्षित हूँ और मेरा परिवार भी असुरक्षित है, उसके साथ साथ मेरी पार्टी भी। मुझे अपने ही लोग हैं आशीष जी, उनसे डर है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की जो ललितपुर पहुंची और मृतक किसान के घर पहुंची, उनके परिवार के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान मृतक किसान की बेटी और पत्नी को प्रियंका गांधी ने सांत्वना दी और उनका दर्द साझा किया। आपको बता दें कि ललितपुर में पिछले दिनों खाद की किल्लत की वजह से लाइन लगे दो किसानों की मौत हो गई थी, तो वहीं दो किसानों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण भी किसान के परिवारों ने खाद न मिलना बताया। दोनों घटनाओं के बाद ललितपुर में सियासी पार्टियों की हलचल तेज हो चुकी है। कल जहां सपा महासचिव ने किसान परिवारों से मुलाकात की, तो वहीं आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मुलाकात की। की सरकार अक्षम साबित हुई है, खाद वितरण योगी सरकार पूरी तरह से फेल है। किसानों के प्रति सरकार ने किसानों को एकदम पूरी तरह से नकारा है। ये एक समस्या नहीं है, ठीक है, यहाँ चार परिवारों के साथ ये हुआ, पूरे बुंदेलखंड में ये हो रहा है। एक बच्ची रो रही थी बेचारी, कह रही थी कि पिताजी की शक्ल भी नहीं देख पाई। सरकार ने 10 लाख का मुआवजे का ऐलान किया, 2 लाख रुपए दिए मैडम चरम पे जी। आप खुद ही देख रहे हैं, जब आपके मंत्री के बेटे ने किसी को कुचल दिया है, 6 किसानों को, आप कुछ नहीं कर रहे, वो मंत्री अभी भी बना है, उसके अंदर इंक्वायरी क्या होगी?